भगवान इस श्लोक का सार विषय है, अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार। ओम श्री आनंद में भगवान जी बोले, हे राजबाला, और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ को मानन में भगवान भी निरंतर रमण करते हैं। ओम शांति। ओम आनंदमय, ओम शांति। भगवान ये वाणी, ये तत्व रहस्य स्वयं भगवान बता रहे हैं। स्वयं भगवान जो हैं वो अपने भक्तों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये किसी ज्ञान भौतिक विद्या के या आध्यात्मिक विद्या के विद्वानों का नहीं है, एक साक्षात वो मान्य तो पिताजी के हैं। वो अपने जो भक्त हैं उनके दिनचर्या बता रहे हैं, उनका जीवन कैसे रहता है। वो मान्य भगवान बदली बता रहे, निरंतर मन लगाने वाले, मुझ में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। जीवन जो है केवल प्रभु के लिए रखा हुआ है, ये जीवन संसार के भोगों के लिए नहीं होता है। ये भाव उनका होता है, ये जीवन भगवान ने जो दिया है, ये प्राण दिए हैं केवल उन्हीं ने, उन्हीं ने जो वो सदयोग करते हैं। मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए और गुण प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हैं, ये और कोई चर्चा नहीं करते। परंतु ये भक्त को लक्षण है, परंतु संसार में जिया जाए ये कहाँ। हमारे छोटे पन्ने, दो पन्ने का चार पन्ने का अखबार आता था, आज 16-16 पेजों का अखबार आ रहा है। प्रातःकाल का समय सारा अखबार में लग जाता, उसी में रमण करते हैं और मोबाइल जिस काम के लिए बना हुआ था, परंतु अब वो जो है भूख का साधन बन गया है, विमृता का साधन बन गया है, जिसके लिए आवरण अनावश्यक है उसके पास बन गया। छोटी की आयु के बालक से लेकर और 60-70 तक की वृद्धावस्था तक जो है ये मोबाइल ने पहुँच गया। ये रात दिन जो है ये भ्रमण कहाँ हो रहा है। भगवान ने तो अपने भक्तों को बताया, उठते बैठते सोते जागते मेरे ही प्रभाव गुण प्रभाव का जो है उसी में भ्रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं। परंतु आज जो है संतुष्टि का कारण ये मोबाइल आ गया है, हमारे सामने ही लगा हुआ है। तो जिस कार के लिए बनाया गया था वो कार तो जो हो रहा है ठीक है, परंतु ये अब जो है समाज में घर घर परिवार में भोगों का साधन हो गया है। हर चीज़ की जो है बढ़ोतरी जो है, हर साधन जो है भोग का साधन बढ़ गया है। तो आज जो है
मेरे जीवन में कहीं कहीं कोई डॉक्टरों का नाम था, सरकारी डॉक्टर थे, परंतु अब डॉक्टरों का बाजार लग गया है। लोगों का स्वास्थ्य पहले ठीक रहता, अब इतने जो रोगी हो गए, हर प्रकार का रोग। कारण क्या है? ये मनुष्य अपना ही शत्रु है। ये सब भोगों का ही परिणाम है। जो मान्य पुपिचारी के सिद्धांत के अनुसार चलना है, उस पर ना चल के जो है वो संसार के बनाए हुए सिद्धांत मनमाना सिद्धांतों में चलना है, इसके लिए ये दशा है। छोटे पर साइकिलें भी घर में नहीं थी, हमारे घर में जीवन में हमारे भाइयों ने PA NA काम किया, यूनिवर्सिटी जाते थे, विद्यालय में जाते थे, घर में ना साइकिल नहीं थी, पैदल जाते थे। तो अब साइकिल आई, परंतु साइकिल से भी वो भी जो है घर घर में साइकिल नहीं, एक नहीं कई कई हो गई। अब स्कूटर बाइक आई है, एक एक परिवार में सबके लिए, बालक हो बालक हो, सबके लिए बाइक चाहिए, बाइक पर पढ़ने जाते हैं। तो ये संचालन शरीर का, संचालन शरीर जो बनने वाला कहाँ बनेगा? ये आज जो है ये देश की दशा है। सारा रमण कहाँ करना है और कर रहा है कहाँ रमण कर रहा है, परंतु अपने को सब जो है भक्त राज सिद्ध करते हैं। माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्रतिशत बिखरा हुआ कहाँ कर्म कैसा हरण कर। तो ये असली भक्तों की पहचान है। ओम आनंद में ओम शांति। अब अगला श्लोक देखेंगे, 10वां।